आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर तक 2000 के नोट लीगल टेंडर माने जाएंगे, इनसे खरीदारी भी की जा सकेगी, लेकिन इसके बावजूद ज्यादा दुकानदार इन नोटों को लेने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। पेट्रोल पंप पर भी इन नोटों से पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पंप मालिकों का कहना है कि शुक्रवार के ऐलान के बाद से अचानक लोगों ने 2000 के नोट निकालना शुरू कर दिया है। आरबीआई ने जब से 2000 के नोटों को वापस लेने का फैसला किया है तब से सियासी उबाल है, विपक्ष सरकार को घेर रहा है। इन सब के बीच में प्रधानमंत्री मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2000 के नोट जारी करने के पक्ष में ही नहीं। पर प्रधानमंत्री जी बिल्कुल उत्साहित नहीं थे और उनका स्पष्ट मत कि यदि हम 1000 रुपए के नोट बंद कर रहे हैं और उसके स्थान पे 2000 रुपए के नोट ला रहे हैं तो लोग कैसे समझेंगे कि यह काले धन को समाप्त करने या उसको कम करने का प्रयास है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से विपक्षी एकता को लेकर एक बड़ा बयान जारी हुआ है। उन्होंने ट्वीट किया है कि अब एकजुट होगा देश। कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बैठक की तारीख और एक जगह जो है एक दो दिन में ही तय करने की बात कही है। केजरीवाल को लेकर कांग्रेस के रुख में नरमी आई है। अब केंद्र के अध्यादेश को लेकर कांग्रेस अपने नेताओं से बात करने की बातें कर रही है। Opposition party meeting will be held and the date will be decided within 1 or 2 date and place will be inform you within 1 or 2 days. आज मीटिंग में विपक्षी एकता के बारे में जो सहमति बनी हुई थी उस सहमति पर विस्तार से चर्चा हुई और विपक्षी एकता के लिए सभी दलों की बैठक जगह और समय और तिथि ये 1 से 2 दिनों में तय करके आपको बता दिया जाएगा। मीटिंग कहाँ होगी, कब होगी, कौन कौन लोग उसमें आमंत्रित। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को जोड़ने के मिशन में जुट गए हैं। केजरीवाल आज कोलकाता पहुंचे जहां पर वो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मिलकर समर्थन मांगेंगे। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई और एलजी को ये अधिकार दे दिए गए हैं। अब सीएम केजरीवाल इसे संविधान के साथ एक खिलवाड़ बता रहे हैं और उसी को लेकर मोर्चाबंदी कर रहे हैं। केजरीवाल कल शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी मिलेंगे। लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी के खिलाफ सबको एकजुट होने की जरूरत है, तो ये सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है, ये सवाल है भारत के लोकतंत्र का, ये सवाल है भारत के संविधान का, ये सवाल है हमारे संघीय ढांचे का। तो अगर ऐसा राजनीतिक पार्टियां मानती हैं तो उसकी एकजुटता जब ये बिल के स्वरूप में आएगा अध्यादेश तो उस वक्त दिखाने की जरूरत है। सबको एक साथ आकर इस बिल को गिराना चाहिए क्योंकि बीजेपी के पास नंबर नहीं है राज्यसभा में। सारी विपक्षी पार्टियां अगर एकजुट होती हैं तो ये बिल गिरेगा।